बड़ी खबर बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी धरने पर बैठी हैं। आपको बता दें कि उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर लगातार वो धरने पर बैठी हुई हैं। आपको बता दें कि खिलाड़ियों का यह आरोप है कि उनका शारीरिक शोषण जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा किया गया है। हाल ही में उनसे मिलने आपको बता दें कि आरएलडी के प्रमुख हैं जयंत चौधरी, वो गए हुए थे दिल्ली में जंतर मंतर पर। जिस तरीके से लगातार छह दिन उन्हें बीत चुके हैं महिला खिलाड़ियों को, लेकिन सरकार उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। इसको लेकर आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिन चैंपियन बेटियों ने अपने दांव पैच से विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए, उन जावाज बेटियों की आबरू से खेलने की कोशिश करने वाले अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यही समय है कि उठिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही बेटियों की आवाज बनिए। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी जो चैंपियन खिलाड़ी हैं, जो देश क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का नाम रोशन करते हैं, लेकिन उन्हीं का शारीरिक शोषण होता है तो सरकार उनका साथ नहीं देती है। कई नेता हैं जो सत्ता में बैठे होने के बाद भी यह अन्याय अत्याचार होता देख रहे हैं। जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इन पर आरोप लगाया है कि इन्होंने उनका शारीरिक शोषण किया है और उन पर FIR को लेकर जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर धरने पर बैठी हैं। चाहे जयंत चौधरी कल उनसे मिलने गए थे, उन्होंने अपना समर्थन उन्हें दिया, और इधर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जो बड़े नेता हैं राकेश टिकैत, उनके भाई भी उनसे मिलने गए थे। वो राकेश टिकैत जाने वाले थे, अचानक वो नहीं जा पाए, उनके भाई ने उनसे मुलाकात की। तो तमाम संगठन जो है महिला खिलाड़ियों को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना समर्थन दिया है, उन्होंने कहा कि मेरा फुल सपोर्ट है। अब इन खबरों पर आपकी क्या राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।